लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन को पहले अर्घ के नाम से जानते हैं। इस दिन तमाम जो छठ व्रती है वो सूर्य भगवान को आराधना करती है, जिसको लेकर राजधानी रांची के सभी छठ घाटों में तैयारियां पूरी हो गई है। एनडीआरएफ की अहम भूमिका रहती है, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीम लगातार सभी तालाबों का जायजा भी ले रही है। इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ टीम के कुछ जवान मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इंतजाम इस बार किया गया है। चूंकि एनडीआरएफ की जो टीम है उसकी अहम भूमिका रहती है छठ पूजा में, क्या कुछ इंतजाम आपकी ओर से की गई है? हमारी एनडीआरएफ की टीम टोटल यहाँ पे 10 की टीम है, जिसमें हमारे पास 2 बोट है और ये बोट लगातार पेट्रोलिंग करती रहेगी। जब यहाँ पे अभी 2 बजे का टाइम है, 2 बजे से शुरू हो जाएगा यहाँ पे भीड़ आना, तो लगातार पेट्रोलिंग करती रहेगी। और ऐसे हमारी टीम होने की वजह से हम इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अनहोनी घटना नहीं होगी। अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो उसके लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। हमारे पास ये लाइव बॉय है, लाइव जैकेट का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जो भी है टीम मेंबर वो पूरे ट्रेंड स्विमर हैं, तो किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप आराम से आए, यहाँ पे पूजा करें, आप निसंकोच यहाँ पे पूजा करके घर जाएं। ऐतिहासिक बड़ा तालाब, यहाँ पे जो पानी है, जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है, या फिर कह सकते हैं 10-15 या फिर 20 फुट का ये जो पानी का लेवल है वो है। ऐसे में आप कैसे, जैसे बच्चे लोग हैं वो जिद करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, उसको किस तरीके से आप लोग टैकल कीजिएगा, किस तरीके से बचाइएगा, क्योंकि आप लोग तो यहीं पे मौजूद रहिएगा? बिल्कुल, हम यहीं पे मौजूद रहेंगे, इसी लाइन में। अगर यहाँ पे भीड़ है, बच्चा लोग कोई होता है ऐसा शरारती करता है, लेकिन उसको हम कोशिश करते हैं कि वो इसके अंदर ही रहे, क्योंकि यहाँ पे एक डेंजर का निशान भी लगा हुआ है इसके आगे। वैसे तो आज के लोग पढ़े लिखे हैं, लगभग जानते हैं कि इससे आगे खतरा है, तो नहीं जाएंगे। अगर जाने की कोशिश करेंगे तो हम इस लाइन से बाहर ही रहते हैं, हम बिल्कुल भी उनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इधर गहरा पानी है, थोड़ा सा पानी में मुश्किल हो जाता है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, हम विसिल का भी इस्तेमाल करते हैं, भीड़ में ऐसे आवाज़ पता नहीं चलती, इस वजह से विसलिंग का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो पूरा भरोसा है कोई आगे नहीं जाएगा और इस तरह का कोई घटना यहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि पिछले बार कांके डैम में आपने सुना होगा कि एक बच्चा बहुत अंदर तक जा चुका था, लेकिन एनडीआरएफ की टीम की वजह से वो बच चुका था, लेकिन इस बार कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर, जैसे आपने कहा कि आप लगातार पेट्रोलिंग कीजिएगा, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना माँ बाप के भी वो आगे चले जाते हैं, तो उसमें आपकी कैसे नजर होगी, कैसे आप लोग निगरानी रखिएगा उसको लेकर? हाँ, तो ही बताया ना, हमारी पेट्रोलिंग के टाइम पे बिल्कुल पैनी नजर, हमारी नजर उस तरफ ही रहेगी। भीड़ काफी होती है? हाँ बिल्कुल, भीड़ काफी होती है, रोड के ऊपर भीड़ होगी, लेकिन हम यहाँ पे सामने से देखेंगे तो आप सामने से व्यू बिल्कुल क्लियर होता है। एक बच्चा छोटा सा भी अगर आ गया तो हमें दिखाई देगा यहाँ से, और बिल्कुल हमें इधर उधर हमें देखना ही नहीं है, हमारा जो फोकस है सिर्फ भीड़ के ऊपर है कि कोई भी ऐसी घटना न घट जाए। तो हमारी बिल्कुल पैनी नजर रहेगी, इसके लिए किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आए पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जैसे कि अगर कोई बच्चा डूबता है, अगर आप लोग कोई भी नजदीक रहते हैं तो आप लोग कैसे उनको इशारा कीजिएगा, विशल के माध्यम से, या फिर आप लोग जो आप लोग ये वॉकी टॉकी रखे हैं शायद इसके माध्यम से क्या? हाँ, विसलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास सभी के पास दोनों बोट में वॉकी टॉकी है, एक दूसरे से हम लोग वॉकी टॉकी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, और विसिल भी हमारे पास है, और बाकी हम बताएं कि हमारे पास बिल्कुल ट्रेंड स्विमर हैं, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि राजधानी रांची का ऐतिहासिक बड़ा तालाब में लगातार यहाँ पर तैयारियां पूरी हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लोगों के मन में जो सवाल था कि आखिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चूंकि राजधानी रांची का सभी जो तालाब है उसका जल स्तर काफी बढ़ चुका है, और ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जरूर पानी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात रहेगी। बच्चों के साथ साथ तमाम जो छठ व्रती है वो पानी के अंदर जाती है, भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करती है, तो उसको लेते हुए जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी, और कोई भी अनहोनी होने से पहले तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहकर तमाम जो लोग हैं उन पर इनकी पैनी नजर रहेगी। तो न्यूज बाइस्कोप की ओर से तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं जो छठ घाट में जाएंगे, आपको इसी तरीके का नजारा देखने को मिलेगा, एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी, तो बिल्कुल भी नहीं घबराए, लेकिन आप अपने बच्चों को अपने साथ रखें, उनको पानी के अंदर जाने की अनुमति ना दें, क्योंकि पानी का यानी कि जल स्तर काफी बढ़ चुका है, ऐसे में कोई अनहोनी भी हो सकती है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप रांची।